हम लोग उस चीज का पछतावा, यानी कमल का फूल हमारी बहुत बड़ी भूल। बस बढ़िया है, इनकी सोच है। अब आदमी की सोच न होती तो सरकार कैसे बनती। तो इन्होंने भी दिया, वोट दिया था भाई आपने? बिल्कुल। फिर अब ऐसा क्यों कि भूल है? भूल हो गई, क्या हुआ कि भूल साबित हो? भूल हो जाती कभी कभार। फिर भी हम कमा के खा सकते हैं, जरूर नहीं है कि हम सरकार के भरोसे जिंदगी पार कर लें। पकौड़े तलिए ना आप। नहीं आ रहे, हम कहाँ सरकार के भरोसे हैं। महंगाई जब बढ़ेगी तभी तो हम लोगों की सैलरी बढ़ेगी। भैया ये कह रहे महंगाई बढ़ेगी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ आपका? 5-7% होता है हर कंपनी में। 6-7% का मतलब कितना? 50 रुपए में खरीद के 10 रुपए में 7-10 साल बेच दूंगा, ये मेरा दावा है। कोई इसको सिविल इंजीनियरिंग साथ प्रूफ नहीं कर सकता, ये लिखित में कह रहा हूँ। दिल्ली के जो स्कूल है वहाँ इतना डेवलप कर रहे हैं बच्चों को, वो ये कभी ये नहीं सोचते कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, वो ये सोचते मैं अपना बिजनेस करूंगा खुद का। सब इंग्लैंड चले गए। ये सिर्फ ढकोसले की सरकार है और इसके सिवा कुछ नहीं है मैम, सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है। जो मायावती की सरकार आई उसमें क्या हुआ, जाटव को चरम पे पहुंचा दिया, अखिलेश की आई यादव को चरम पे पहुंचा दिया। कौन पहुंचा दिया बताओ तुम मेरे को? ठाकुर चरम पर है इसमें। यार तुम्हारा तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। मेरे को नॉलेज है, उनको नॉलेज नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं तुम जाफर मार के दिखाओ इनको, तुम ठाकुर हो या कोई भी हो। अच्छा, बंद कर दिया जाएगा। युवा आगे बढ़ता है, युवाओं को ऐसा नशेड़ी बना देना कि आगे ना बढ़ पाए, ये केजरीवाल की काम है। केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा काम करें, कुछ चीज़ों बस शराब को लेके उनका काम बिगड़ रहा है, बाकी उन्होंने सारे काम अच्छे किए। अगर बिजली फ्री दे रहे अच्छा है, पानी फ्री दे रहे बहुत अच्छा है, ये वहाँ पर गरीब लोगों से पूछे उनके लिए बहुत बहुत लाभदायक है, बहुत फायदा भी हो रहा है। अब अगर किसी भी जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं वहाँ रह रहे हैं रूम लेकर 2-3 हज़ार का, अगर उनको बिजली बिल नहीं देना पड़ा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उन्हें बहुत गर्व नहीं लग रहा। बिल, अरे बेवकूफ हो तुम, पता नहीं दो साल मकान है जो मालिक है उन पे बिल नहीं लग रहा। मैं 2 साल रहकर आया हूँ, एक भी बिल नहीं दिया मैंने। मैं रहता था दिल्ली में, मैंने 2 साल एक भी बिल नहीं दिया। केंद्र सरकार कहती है कि घोटाला कर रही है, फ्री फ्री की बात करके सत्ता में आ रही। ये उन्हें बोलने का, उन्हें कुछ भी बोलने से मतलब है उनको, उनको सच्चाई नहीं दिख रही है। वो जो अच्छा काम कर रहा है वहाँ दिल्ली के जो स्कूल हैं बच्चों से वहाँ जाके पूछिए, वहाँ इतना डेवलप कर रहे हैं बच्चों को, वो ये कभी ये नहीं सोचते कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, वो ये सोचते मैं अपना बिजनेस करूँगा खुद का। सब इंग्लैंड चले गए। आज से जब उनके ये मन में डेवलप होगा तो आगे जाके वो बनेंगे ना। डेवलप नहीं, शराब पिला के उनके बाप को बेवकूफ कर दिया। यार एक के साथ एक आप कैसे बात? आदमी अपने मालिक मालिक के लिए लेके आ रहा है, उसको फ्री में बोतल मिल गई। अगर वो शराब एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं तो फिर भी वो सरकार प्रॉफिट में है, फिर भी सरकार प्रॉफिट में है, ये भी आप याद रखिए। बेकार नहीं कर रहा है वो, किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा है। जमीन लगवा लेते थे वो काम, और लोगों से जान लेते हैं। बहुत देर से आप यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, कोई बीजेपी के पक्ष में है, कोई खिलाफ बोल रहा है, और आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ कि जिसकी कहो तो उसी की पार्टी कोई भी बनेगी, कोई भी पार्टी बने, कोई भी सरकार बने। सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार सब जनता की होती है। अब सरकार कहे कि गेहूं महंगा कर दिया, महंगाई महंगी हो गई, ये फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, तो इससे थोड़ा कुछ होने वाला है। सबका साथ सबका विकास। सारे लोग ये बताओ विकास का मतलब क्या होता है? सबका साथ सबका विकास, यही तो होता है ना। और कई महंगाई, महंगाई जब बढ़ेगी तभी तो हम लोगों की सैलरी बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़े तभी तो सैलरी बढ़े, क्यों? पहले पहले नौकरी कितने में कर रहे थे? दोनों साइकिल पे सवार हैं, क्या बात? नहीं भैया ये कह रहे महंगाई बढ़ेगी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ आपका? 5-7% होता है हर कंपनी में। 6-7% का मतलब कितना? 10% कितना? तुम्हारी 9,000 सैलरी होगी, उसका 10% कितना बड़ा? 900 रुपए बड़ा भी नहीं है, 900 नहीं बड़ा है ना। आज एक दिन में आप सब्जी लेके जाते हो 100 रुपए की आती डेली,
और लगा लो। कह रहे कि महंगाई बढ़ रही है, बस वो नहीं बढ़ रही आमदनी। आप कह रहे हो कि महंगाई से हमारी सैलरी बढ़ेगी, कौन सा कंपनी वाला कहता है कि महंगाई होगी तो हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे? किसी कंपनी वाले सुना सुपरवाइजर वही तो हम कह जो चार साल से था सैलरी वो आज की डेट में कोई इतने सारे भाई बैठे हैं चार साल से कोई भाई बता दे कि हमारी 15% या 20% बढ़ी सैलरी, किसी का 200 बढ़ा किसी का 300 बढ़ गया होगा, मैं नहीं कह नहीं सकता। सरकार ने 15 लाख का वादा भी किया। हाँ नहीं, अगर ये सिर्फ ढकोसले की सरकार है और इसके सिवा कुछ नहीं है मैम, सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है। देखो भैया, व्यक्तिगत हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना हमारे यहाँ पर ना कोई दुश्मन है, कोई सरकार हमारी दुश्मन है, ठीक है। सरकार हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, हम लोग उस चीज का पछतावा, यानी कमल का फूल हमारी बहुत बड़ी भूल, बस कमल का फूल भूल बता रहे हैं भैया जी। बढ़िया है, इनकी सोच है, अब आदमी की सोच न होती तो सरकार कैसे बनती। वोट तो इन्होंने भी दिया, वोट दिया था भैया आपने, बिल्कुल। फिर अब ऐसा क्यों कि भूल है? भूल हो गई, क्या हुआ कि भूल साबित हो रही? भूल हो जाती कभी कभार, भूल नहीं होती। सरकार तो बनानी पड़ेगा, सरकार करेगी काम, अब अच्छा नहीं कर रही है ना, यही तो है मतलब आपका कहने का। आपका मतलब क्या, आपके हिसाब से अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ? विकास तो हो रहा है, विकास के लिए कोई विकास के लिए बताओ कौन सा विकास कम हो रहा है बताइए आप। अगर जो आयुष्मान के तहत आपको वो मिला है, एक कार्ड मिला है, कितने भाई है, भाई कोई है इनमें से कोई बंदा? आप भाई कैमरा घुमा के देख लो, पूछ लो एक बार कि किसी के पास है कार्ड, किसी की भाई 2 लाख रुपए सैलरी, 2 लाख रुपए इनकम है किसी की यहाँ पे? कोई भाई बता दे, किसी की नहीं है, नहीं है ना, सब गरीब है। फिर तो आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। अभी आपका अगर कोई भी घर का सदस्य अगर बीमार पड़ता है, आपका कितना चार्ज देते हो? कहीं बंगाली पे जाते हो, कहीं गली से झोला छाप से इलाज कराते हो, कराते हो भैया या नहीं कराते हो? झोला छाप से तो इलाज हो ही रहे। हाँ बोझ करे, आप प्राइवेट में जाके देखिए दवाई कितने परसेंट बढ़ी है, उसका आप देखोगे ना एवरेज। तो मार्का अलग, अरे मार्का कैसे, जब सरकार टैक्स डालेगी तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूध की थैली आज से आप 6 महीने पहले कितने की ले रहे थे? रुको रुको भैया, 22 रुपए की। आज कितने की ले रहे हो? 31 की। और जो लोकल रहता है ना डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार एक लगे वो भी 1 रुपया लेगा। मैंने भैया सरकार फ्री का राशन भी तो बांट रही है ना लोगों को, और सुविधा दे रही है मैम। अगर जो घर में 5 सदस्य हैं तो उनको 2 को ही मिल रहा है, 3 को मिल रहा है, 5 को जिसको मिल रहा हो कैंडिडेट वो बता दे पूरे परिवार के हिसाब से। किसी को मिल रहा भैया? मैंने शौचालय भी बनवा दिया। आपके घर में कितने सदस्य हैं? सरकार कहती है भैया हमने करोड़ों लोगों को रोज वो दे दिया राशन। अरे करोड़ों लोगों को दिया है, हम बता नहीं रहे। अगर आधार कार्ड वो हमारे सदस्य 5, फिर महंगाई की बात कर रहे हो ना, कोई 50 रुपए में गेहूं खरीद के 10 रुपए में नहीं बेच सकता। कोई सरकार कहे कि मैं 50 रुपए में खरीद के 10 रुपए में 7-10 साल बेच दूंगा, ये मेरा दावा है, कोई इसको सिविल इंजीनियरिंग साथ प्रूफ नहीं कर सकता, ये लिखित में कह रहा हूँ दावे के साथ। 50 रुपए में खरीद, किसान कहता है मेरा महंगे में बिकना चाहिए, और मिडिल क्लास का आदमी कहता है मुझे 10 रुपए में चाहिए। इसको कोई सिविल इंजीनियरिंग करके बता दे कि मैं 50 में खरीद के 10 साल तक सारी जनता को 10 रुपए में बेचूंगा, ये कोई बता दे। अरे अरे यार नहीं, मुफ्त का राशन क्यों? नहीं मुफ्त का राशन लेने से क्या फायदा है, हम लोग कमा रहे हैं। और वहीं पर आजकल जो शिक्षित हमारे युवा हैं उनको रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो क्यों ना 7 लाख लोगों को रोजगार दिया तो क्या रोजगार? सरकार कह रही है हमने रोजगार दे दिया, जो लोग योग्य थे हुनर था उनको रोजगार दे दिया। क्या रोजगार दिया मैम? सरकार नौकरी ना दे फिर भी हम कमा के खा सकते, जरूर नहीं है कि हम सरकार के भरोसे जिंदगी पार कर दें। भैया पकौड़े तलिए ना आप, नहीं आ रहे हम कहाँ सरकार के भरोसे है, राशन दे दो। सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलो। अरे पकौड़े तलना तो मैं जाएगी मैडम, पकौड़ी नहीं तली जाएगी अपने बिना तेल का, पकौड़ी तली जाएगी बिना सरसों का तेल नहीं होगा तो पकौड़ी कैसे तल लोगे भाई? भाई इस चीज का बुरा मत मानना, कोई भी
कि जो अशिक्षित होगा, अशिक्षित है वो भाई पकौड़ा तल ले तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो चार चार लाख रुपए, दस दस लाख रुपए खर्च करके जा रहा है वो पकौड़ा तले, उसको कितना खराब लगेगा, उसके गार्जियन को कितना खराब लगेगा। अगर पॉइंट नौ तो भाई 50 लोग खड़े हैं, बता दे कोई भी। अभी सरकार कह रही है 25 साल दे दो, देश को आगे ले जाएंगे, विकसित देश कहलाएगा। पता नहीं मैम कौन से कहां आगे को लेके जाएंगे, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता। विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु अब पता नहीं कैसे बनेगा, इस पर तो मैं नहीं कह सकता विश्व गुरु बन पाएगा नहीं बन पाएगा।